फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके तरफ से पूछे गए तीन लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। यानी आज के इस वीडियो में मैंने तीन लोगों के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जिसका हम आंसर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन पूछे हैं चंदन कुमार। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इन द ऑफिंग क्या है और स्पोकन इंग्लिश में हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा इन द ऑफिंग का मतलब होता है समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, कोई चीज बहुत जल्द होने वाली है। जैसे अगर आपको कहना हो मैंने सुना है बहुत जल्द तनख्वाह बढ़ने वाली है, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव हर्ड देयर इज अ पे राइज इन द ऑफिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है इन द ऑफिंग और इसका मतलब हुआ बहुत जल्द कोई काम होने वाला है या बहुत जल्द कोई चीज होने वाला है। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देते हैं। जल्द ही बड़े बदलाव होने को हैं या होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बिग चेंजेस आर इन द ऑफिंग, यानी बड़े बड़े चेंजेस इन द ऑफिंग होने वाले हैं, यानी जल्द ही होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा इन द ऑफिंग मीन्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, कोई चीज बहुत जल्द होने वाली है। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। सम मोर न्यू प्रोग्राम्स आर इन द ऑफिंग, यानी कुछ और नए प्रोग्राम्स जल्द ही आने वाली है। देयर इज स्टाफ चेंजेज इन द ऑफिंग, यानी जल्द ही कर्मचारियों दल का बदलाव होने वाला है, यानी जल्द ही स्टाफ में चेंजेज होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने सीखा कि इन द ऑफिंग क्या है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मेरा अगला क्वेश्चन पूछते हैं प्रिंस चार्म। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि समहाउ का क्या इस्तेमाल है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम समहाउ को कैसे इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे या किसी भी तरह। जैसे अगर आपको कहना हो मैंने जैसे तैसे खा लिया, यानी मैंने किसी भी तरह खा लिया, तो आप कहेंगे आई एट दैट समहाउ, यानी मैंने जैसे तैसे खा लिया या मैं किसी भी तरह खा लिया, मैं किसी भी तरह इसे संभाल लूंगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल मैनेज दिस समहाउ, यानी किसी भी तरह या जैसे तैसे मैं इसको मैनेज कर लूंगा। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। आई विल बाय दैट ड्रेस समहाउ, यानी मैं किसी भी तरह उस ड्रेस को खरीद लूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आई विल बी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि फ्रेंड्स आप आई विल बी के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके सेंटेंस में जरूर या अवश्य वाला सेंस हो। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा जरूर करूंगा या मैं ऐसा अवश्य करूंगा। तो फ्यूचर वाले सेंटेंसेस को जोरदार बनाने के लिए आप आई वी के साथ सेल न लिखकर आई वी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई विल बी देयर बाय 8 समहाउ, मैं किसी भी तरह 8 बजे तक वहां पर हूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि समहाउ मतलब किसी भी तरह। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो समहाउ का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं। जैसे समहाउ आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, किसी भी तरह मुझे इस काम को पूरा करना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समहाउ का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछने वाले हैं मुस्तकीम मंडाल। और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बोलें, जैसे इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं, या इस पे मेरा हक है, या इस पे तुम्हारे पापा का हक है, या इस पे तुम्हारी माँ का हक नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप ऐसे बोलेंगे, आप कहेंगे इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं, यानी यू हैव नो राइट ऑन इट, यानी कोई हक नहीं के लिए आप हैव या हैज के साथ नो राइट का इस्तेमाल करेंगे। यू हैव नो राइट ऑन इट, इस पे मेरा हक है, आई हैव राइट ऑन इट, इस पे तुम्हारे पापा का हक है, तो आप कहेंगे योर फादर हैज राइट ऑन इट। यहाँ पर आप हैव नहीं हैज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो आप हैज का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैंने आपको पार्ट 4 में अच्छा से सिखाया। इस पे तुम्हारी माँ का हक नहीं है, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर मॉम हैज नो राइट ऑन इट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं हक है या हक नहीं है, आप हैवेज के साथ नो राइट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सभी टॉपिक्स शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे 3 और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।